pada sini lagi. फजीलत बड़ी है इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है। मुअज्जज़ व मुकर्रम सामईन, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और दूर दराज से आए हुए तमाम मेरे भाई हिंदू मुसलमान, आइए अपने भाई हकीर फकीर तनवीर ज़की कटिहारी का सौगात सलाम कबूल कीजिए और इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैंने सलाम बड़े जोर शोर से किया लेकिन आपके सलाम के जवाब उस अंदाज में नहीं आए जिस तरीके के बारे में आप लोग जाने जाते हैं। फिर मैं सलाम करता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोगों के छाती में टावर और पावर है। बस यही से पता चल जाएगा कि आपके छाती में टावर और पावर है कि नहीं। अगर जवाब अच्छे अंदाज में आता है, बिल्कुल हिट और फिट के साथ आता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके छाती में पावर है, वरना मैं ये समझूंगा कि आप हुक्का पान बीड़ी सिगरेट खा खा कर अपनी की छाती के टावर और पावर को खत्म कर दिए हैं। देखें अजमत इस्लाह की महफिल सजी है दोस्तों, अजमत इस्लाह की महफिल सजी है दोस्तों, जिसमें शिरकत मुबारक और सआदत है दोस्तों। हाजरीन बज़्म को है बा अदब मेरा पयाम, अस्सलाम 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 वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिए हजरत। रात रात मैं बड़े अफसोस सद अफसोस के साथ आप लोगों से दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ। आप समझ गए कि कोई ऐसा तो नहीं कि जनाजा उठने वाला है, ये नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए अफसोस और अफसुर्दगी का मकाम है जो इस पंडाल के रहते हुए और बाहर से उलमाए किराम के आने के बाद भी चाखानों में, गीबत खानों में, होटलों में, मचानों में, खेत में, खलिहान में, इधर उधर दुकानों में, मचानों में घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप पिंडाल में, जलसागाह में तशरीफ ले आइए, चूंकि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम बजाबता अब शुरू हो चुका है, फिर ये ट्रेंड रुकने वाली नहीं है, बिल्कुल अपने जंक्शन से खुल चुकी है। जब गाड़ी चल जाती है और क्या कहते हैं कि उसका टाइम हो जाता है तो किसी का इंतजार नहीं करती बल्कि सवारी उसका इंतजार करते हैं। तो आप समझ जाइए अब मैं आपका इंतजार करने वाला नहीं हूँ, आप आए ना आए बिल्कुल मेरी बैटिंग शुरू हो जाएगी, जैसे भी बॉल आएंगे लेकिन इंशाल्लाह हर बॉल पर मेरा छक्का और चौका और हर गेंद बाउंड्री से बाहर जाने वाली है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वक्त को न गवाते हुए फटाफट जल्द अज जल्द इस पंडाल में तशरीफ ले आइए, चूंकि यके बाके करे तमाम उलमाए किराम को मैं आपके सामने हाजिर करता रहूंगा। आइए हजरात, मैं सबसे पहले उस रब्बे जलाल अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया और एहसान अदा करता हूँ, जिसके एहसान से, जिनके मेहरबानी से, जिनकी तौफीक से मेरी हाजिरी आपके सामने में हुई है। अगर खुदा चाहता तो मेरी गाड़ी को रास्ते ही में खराब करवा देता, अगर खुदा चाहता तो मुझे कोई दूसरी बीमारी, नजला जुकाम खांसी में मुलविस कर देता, मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन उस रब्बे कायनात का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्रिया है कि जिसने हमें तौफीक दी और आपके सामने में हाजिर हुआ। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर सही अमल और सही नियत के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कह दीजिए आमीन। वहीं पर मैं मुंतजिमीने जलसा बाशिंदगानी रेशना मधेपुरा बिहार के हिंदू मुस्लिम भाइयों और यहाँ के नौजवानों युवाओं का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के
इस दिन के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम इनेकाद करने का इरादा किया जिसके बारे में लोगों का सोचना तो दरकिनार बल्कि तसव्वुर और जहन भी उधर नहीं जाता है। आपने आज के दिन वो पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खत्ते खत्ते चप्पे चप्पे में वो मैसेज, वो संदेश, वो पैगाम देने की कोशिश की है जिसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे अजमल भाई सरजमीन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए हैं और अपने आजमी मीडिया के अंदर कैद कर रहे हैं। हमारी हर नकल हरकत को अपने कैमरे में कैद करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे और आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा और आपका हाजिर होना इज्तिमाई शादी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हुआ है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हजरत मौलाना फान साहब और उनके दिगर रफका जिनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस प्रोग्राम के सजाने में, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं कि इनकाद करने में, कायम करने में यहाँ के एक एक बूढ़े बच्चे नौजवान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों की मदद रही है। यही वजह है कि आज का ये जलसा एक दिन का नहीं बल्कि दो दिन का जलसा हुआ और एक दिन कबल गुजर चुका है और एक दिन दूसरा है। इसके अंदर कल यानी गुजरा हुआ कल के तमाम हिंदू भाइयों की बेटियों की शादी हो रही थी, हिंदू भाइयों की नहीं बल्कि मुस्लिम भाइयों की शादी हो रही थी और आज मुस्लिम भाइयों की बेटी की शादी हो रही है। ये मुसलमानों की बेटी नहीं है बल्कि हिंदू मुसलमान पूरी इंसानियत की बेटी है। यहाँ ना आज परेलवियत की बात होगी, न सल्फियत की बात होगी, न कादियानियत की बात होगी, बल्कि आज बात होगी तो इंसानियत की बात होगी। अजमल भाई आज के मेरे हर अल्फाज को, हर अंदाज को, सोजो गदाज को, तमाम शोरा और खतबा के हर लफ्ज को और हर बयानात को आप कैमरे में कैद करके उन पाखंडी नेताओं तक पहुंचाइएगा जो अपने भाषण के अंदर एक घंटे में, एक घंटा के अंदर 3000 मरतबा पाकिस्तान का नाम लेते हैं और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। मैंने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के औराक पर भी सर्च करके देखा तो वहाँ पर जितने भी नेता हैं वो हमेशा हिंदुस्तान के अंदर फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनके जब बयान को रिसर्च किया तो एक घंटा के अंदर 3000 मरतबा पाकिस्तान का नाम निकल करके आया। आज मैसेज, आज सरजमीन रेशना मधेपुरा बिहार से पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि रेशना वाले जो पैगाम, जो संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं वो हर इंसान को सीने में बसाने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ एक बात बताने जा रहा हूँ, कोई भी नेता हो उसका न कोई जात होती है, उसकी न कोई जात होती है, न उसका कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है, बल्कि वो दौलत के परस्तार होते हैं, कुर्सी के अय्यार होते हैं। कुर्सी जब पर जब वो बैठ जाते हैं तो हर इंसान उसको छोटा और अछूता नजर आता है। आप देखते होंगे गांव समाज में जब मुखिया का इलेक्शन होता है, दो भाई खड़ा होता है, एक भाई जीत जाता है, दूसरा भाई हार जाता है, लेकिन गोली और बंदूक के नोक पर खड़े हो जाते हैं कि मैं नहीं जीता। उस वक्त आप सुनते होंगे मीडिया के अंदर, अखबार के अंदर, रिसालात के अंदर सुनते होंगे कि एक भाई ने दूसरे भाई के गर्दन को उड़ा दिया और कत्ल कर दिया। पता चल गया कि इन कुर्सी वालों का कोई मकाम नहीं, कोई वजूद नहीं, बल्कि उनकी वजूद यही है कि कुर्सी और राज करे। आपको मालूम होना चाहिए इस देश के अंदर बाबर भी आए, इब्राहिम लोधी भी आए, पानीपत की लड़ाई होती है, आप में से हर आदमी दाना बीना होता है, वो मुसलमान था, कोई हिंदू भाई नहीं था, लेकिन कुर्सी की वजह से बाबर और इब्राहिम लोधी में लड़ाई होती है, पराजित हो जाता है इब्राहिम, बाबर को क्या कहते हैं कि क्या कामयाबी मिलती है। आप चले जाइए मीर जाफर के अंदर जाइए, सराजुद्दौला के अंदर जाइए, जितने भी हैं हुमायूं, सलीम, दारा के अंदर जाइए, उनके हिस्ट्री को खंगालिए, आपको पता चलेगा कि सारे लोग जो हिंदुस्तान में राज किए हैं वो हमेशा एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश किए हैं। वही संदेश आज मुल्के इंडिया के अंदर हुक्मरान पार्टियों की है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज सियासत वाली पार्टियां जितनी भी आती हैं लफाबाजी और जबान से जहर उगल रही हैं। आज ये संदेश उन पाखंडी नेताओं को तक पहुंचना चाहिए जो सरजमीन रिश्ता के हिंदू मुसलमान भाइयों ने दिया। मैं आपको बता दूं कि आज के इस जलसे की सदारत का सेहरा जिस अजीम शख्सियत, अजीमुल मर्तबत, फ़ाल और सरकर्दा बहरे पैकरा जूदुल कलम एजाजुल मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती काजी शरीयत मुफ्ती मोहम्मद फैयाज साहब दामत बरकात उनके सर पे बांधा जा रहा है, वो मोहताज तारुफ नहीं, उनके एहसानात, उनके जज्बात, उनके
کرامات ہمارے سر کے اوپر چڑھ کے بول رہی ہیں, وہ ہمارے شہر مدھے پورہ کے قاضی شریعت ہیں, ان کی صدارت میں آج کا یہ جلسہ روا دوا ہونے جا رہا ہے. تو اللہ کے بولے سبحان اللہ, آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں بولے سبحان اللہ. اگر یہ مائک کو ہٹا دوں نا تو خدا کی قسم میری طاقت میں وہ پاور ہے کہ پورے مجمع سے الحمدللہ بلوا سکتا ہوں. لہ کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے گاؤں سہسوں میں ملکیہ شگردینہ والے آئے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ تنویر زکی صاحب کتنے جوشیلے آدمی ہیں, دیکھنے میں ناٹا ہے لیکن کمپنی کے اعتبار سے ٹاٹا اور باٹا ہے. ہاں یہ ایسا ڈپلیکیٹ اور ریفائن والا مال نہیں ہے, بالکل گھی ہے, گھی کھایا ہوا ہے, دیکھنے میں ناٹا ہے. اس لیے آپ حضرات کو بالکل چست چالاک کے ساتھ یہاں آنا ہے کہ سڑک کے کنارے ہر موڑ پر 1-2 لکھا ہے. آپ لوگ بھی بولیں, سڑک کے کنارے جب گاڑی چلاتے ہیں تو 1-2 ایک کلو دو کلو میٹر لکھا رہتا ہے, اس لیے آپ بھی بولیں تاکہ پتا چل جائے کہ 1-2 بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. سڑک کے کنارے ہر موڑ پر 1-2 لکھا ہے, سڑک کے کنارے آپ لوگ بھی بولیں, سڑک کے کنارے ہر موڑ پر 1-2 لکھا ہے. زور سے بولے ایک مرتبہ, سڑک کے کنارے ہر موڑ پر 1-2 لکھا ہے. جلسہ میں گھومنے والے یار میں نے تیرا نام منٹو رکھا ہے, جلسہ میں گھومنے والے یار میں نے نام تیرا منٹو رکھا ہے. اور ٹانگ پھیلا کے جو ادھر ادھر یوں بیٹھے ہیں, ٹانگ پھیلا کے جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں, سنبھل جاؤ یار میں نے تیرا نام ٹمپو رکھا ہے.